अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पहुंचने से पहले ही करीब 2000 शिवसेना के कार्यकर्ता ट्रेन से अयोध्या पहुंच गए हैं। स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भगवान राम जिंदाबाद और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। उद्धव ठाकरे आज करीब 1:30 बजे अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां पर ना सिर्फ संतों से मिलेंगे बल्कि कल सुबह उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन भी करेंगे। हमको यही आह्वान किया गया है कि हमारे साहिब लोग जो बोलेंगे हम वो करके जाएंगे। वहां से हम सिर्फ और सिर्फ रामलला के मंदिर बनाने के लिए आए हुए हैं। मैं भी एक शिव सैनिक हूँ, मेरे बंधु मेरे भाई हम शिव सैनिक है। हमने नहीं पहले स्टार्टिंग चालू किया था, अरे इंडिया हम ही करेंगे, मंदिर बना के हम ही जाएंगे। उद्धव जी संत महात्मा का सम्मान करेंगे और वो संत महात्मा भी संत महंत जो हमारे हैं वो उद्धव जी को आशीर्वाद देंगे। वहाँ से शरयू की आरती होगी और दूसरे दिन सुबह रामलला का दर्शन होगा। ये कार्यक्रम का नियोजन शिवसेना के माध्यम से किया है। लक्ष्मण किला में अपना संत आशीर्वाद समारोह होगा, उसके पश्चात वो आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात वापस अपने जहां उनका रुकना है वहां पे चले जाएंगे। दूसरे दिन वो आकर के राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद होटल में ही अपने फैजाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस चले जाएंगे। नोएडा में पुलिस बदमाशों पर अपना लगातार शिकंजा कस रही है। शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से अवैध हथियार, 1,05,000 कैश और एक चोरी की बाइक बरामद की गई है। मुशीर और हर्ष नाम के ये दोनों बदमाश दिल्ली NCR में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इन पर करीब 20 मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में घायल बदमाश मुशीर का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो संभावित जानकारी मिली है कि अन्य जनपदों से भी इसके खिलाफ मुकदमे हैं, जिसमें ये वांछित था अभी, और इसके पास से असलाह और कुछ लूट का सामान और जो अन्य मुकदमे हैं उसकी बरामदगी की गई है और आगे कार्रवाई इसमें जारी है। जो इसके साथी बदमाश हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती एक महिला पत्रकार के साथ गाली गलौज करने और बदसलूकी के मामले में लगातार घिरते जा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के सवाल उठाने के बाद अब महिला कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी MLA सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए CM अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। मार्च निकालते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंची महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। इससे उत्साही महिलाओं ने वहां लगे बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की और सोमनाथ भारती को बचाने का आरोप लगाया। सोमनाथ भारती एक महिला एंकर को जिस तरह से उनकी अपमान की, इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये आम आदमी सरकार एक महिला विरोधी सरकार है। सोमनाथ भारती पर एक महिला पत्रकार के साथ गाली गलौज करने और बदसलूकी करने का आरोप है, जिस पर उनके खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज हो चुका है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी उनके बयान पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती के बयान पर कोई सफाई पेश नहीं की गई है। अफगानिस्तान में सैनिक बेस पर एक मस्जिद में हुए धमाके में 27 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 57 से अधिक घायल हो गए हैं। ये हमला अफगानिस्तान के सुरक्षा बल को निशाना बनाकर किया गया था। फिलहाल किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। जिस समय धमाका हुआ सैनिक नमाज पढ़ रहे थे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने धमाके की निंदा करते हुए उसे कायरता से किया गया हमला करार दिया है। मिजोरम में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। मिजोरम विधानसभा चुनाव के बीच PM ने अपनी एक रैली में राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस विकास की नहीं, लटकाने अटकाने और फटकाने के कल्चर वाली पार्टी है। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर एक तेज रफ्तार बाइक के डिवाइडर से टकराने के बाद नीचे गिरने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हाई स्पीड होने की वजह से डिवाइडर को हिट किया और बैलेंस इनका बिगड़ गया, जिसकी वजह से ये दोनों ब्रिज से नीचे गिर गए। UP के लखीमपुर पहुंची VHP साध्वी प्राची ने अयोध्या में अब बिना किसी बात का इंतजार किए मंदिर बनाने की वकालत की। एक प्रयास रहेगा सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, नहीं तो जैसे राम मंदिर तोड़ करके वहाँ पर ढांचा खड़ा किया वैसे ही राम मंदिर बना दिया जाए।
अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले यूपी के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण के लिए अगर जरूरत पड़ी तो संविधान भी हाथ में लिया जाएगा। सुरेंद्र सिंह यही नहीं रुके और कहा कि जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के लिए संविधान को हाथ में लिया गया था, उसी तरह से राम मंदिर बनाने के लिए भी लोग संविधान को हाथ में ले सकते हैं। समस्त हमारे पूज्य लोग, हिंदू भाई लोग चल करके अपने संकल्प को दोहराएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान भी हाथ में लिया जाएगा। जैसे 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए संविधान हाथ में लिया गया तो आवश्यकता पड़ेगी तो मंदिर निर्माण करने के लिए भी संविधान को हाथ में लिया जाएगा। और संविधान देर भी करेगा तो इंसान मंदिर बनाएगा, भगवान राम का मंदिर इंसान बनाएगा। पीएम और उमा भारती के बारे में विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने राहुल गांधी के सख्ती दिखाते ही माफी मांगी। सीपी जोशी का एक चुनावी सभा में पीएम और उमा भारती की जाति पर टिप्पणी करने वाला बयान तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीपी जोशी को माफी मांगने की नसीहत दे दी और लिखा कि सीपी जोशी जी का बयान कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है। पार्टी के नेता ऐसा कोई बयान न दें जिससे समाज के किसी भी वर्ग को दुख पहुंचे। कांग्रेस के सिद्धांतों, कार्यकर्ताओं की भावना का आदर करते हुए जोशी जी को जरूर गलती का एहसास होगा, उन्हें अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। राहुल के सख्ती दिखाते ही सीपी जोशी बैकफुट पर आ गए और माफी मांगते हुए लिखा कि कांग्रेस के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे कथन से समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन बीजेपी सीपी जोशी की माफी से मानती नजर नहीं आई। बीजेपी ने सीपी जोशी के बयान पर राहुल गांधी की सख्ती पर ही शक जता दिया और राहुल गांधी से सीपी जोशी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग कर डाली। मैं यहां चैलेंज करता हूं कि आपने अगर हिम्मत है तो अभी तुरंत एक घंटे के अंदर सीपी जोशी जी को बर्खास्त करे कांग्रेस पार्टी। इससे पहले राजस्थान की एक सभा में कांग्रेस नेता सीपी जोशी का पीएम, उमा भारती और दूसरे बीजेपी नेताओं की जाति पर टिप्पणी करने वाला वीडियो वायरल होने से बवाल मच गया। अजीब देश हो गया, इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझते नहीं। जिसके बाद उमा भारती ने बिना देर किए जवाब दिया और ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस के नेता सीपी जोशी ने हमारी जात पूछी, हमारी जात नहीं जमात है, देशभक्तों की जमात, इसमें जोशी जी चाहें तो शामिल हो सकते हैं। सीपी जोशी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और उन्हें राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है। इससे पहले वो यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास और परिवहन जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी नाथद्वारा सीट से केवल एक वोट से हार गए थे, जिसके बाद वो सीएम की रेस से बाहर हो गए थे। हाल ही में राम मंदिर पर दिया गया सीपी जोशी का बयान काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी का पीएम ही राम मंदिर बनवाएगा। दूसरी तरफ अयोध्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने शिवसेना और बीजेपी पर अयोध्या में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के कई लोगों ने तो अयोध्या में अर्धसैनिक बल तैनात और फौज तैनात करने तक की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं नोटिस लेकर के गंभीरता से विचार कर करके चाहे उन्हें फौज लगानी पड़े। शिवसेना एक तरीके का चुनौती दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे हैं कि 17 मिनट में उन्होंने उस स्ट्रक्चर को गिराया था और अभी चुनौती ये दे रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाइए, जब वो जानते हैं कि ये कर नहीं सकते। तो ये पर्दाफाश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और ये दिखाने चाहते हैं कि वो वोट वक्त हैं और हम राम वक्त हैं। नहीं, ये हकीकत है कि अयोध्या और फैजाबाद में लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं और बार बार वो लोग यही बात कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं 1992 जैसे वाकयात पेश ना आए, हालात ना पेश आए। और हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग वहाँ जमा होने की कोशिश कर रहे हैं तो इंतज़ामिया और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पेश आए और जो कोई भी कानून तोड़े उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। हम लोगों ने जो पुलिस का बंदोबस्त होता है वो उसको बंदोबस्त हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया है। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी लोग पुलिस सभी कुछ तैनात रहेगी, सादे कपड़ों में, वर्दी में, हर तरह की ड्यूटी हम लोग लगाएंगे जिससे सब लोग सुरक्षित रहें और जो कार्यक्रम करने के लिए आए हैं वो सुरक्षित ढंग से, सुविधा ढंग से अपना कार्यक्रम संपन्न करके वापस जाएं।
पाकिस्तान के कराची में चीन के कॉन्सुलेट पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के थे, जो चीनी राजनयिकों को निशाना बनाने के मकसद से वहां पहुंचे थे। उनके हमले में 2 पुलिस वाले भी मारे गए, जिन्हें निशाना बनाने के बाद 3 हथियारबंद आतंकवादी चीन के कॉन्सुलेट में घुसने में कामयाब हो गए। अंदर भी सुरक्षा बल के लोग थे, उन्होंने मुकाबला शुरू कर दिया। सुरक्षा बल ने आतंकियों को उसी इलाके में रोक दिया। गाड़ी दूर खड़ी करके अंदर दाखिल हुए, अंदर लेकिन प्रेमिसेस में दाखिल हो सके, कंपाउंड के अंदर दाखिल नहीं हो सके चाइनीज एम्बेसी के। यानी आतंकवादी वहां तक नहीं पहुंच सके जहां पर चीन के राजनयिक मौजूद थे। लेकिन उन्हें कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि कराची की पुलिस ने हमले को नाकाम करने की कार्रवाई तेजी से की। खास बात यह कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को रोकने के लिए जो पुलिस पार्टी सबसे पहले वहां पहुंची, उसका नेतृत्व एक महिला अफसर कर रही थी, जो एसएसपी के पद पर तैनात सुहाई अजीज है। उनके नेतृत्व में पहुंची पुलिस पार्टी ने आतंकवादियों को सबसे पहले जवाब दिया। उनकी हिम्मत देखकर कराची पुलिस के आईजी ने कमांडो किंग कहकर उनकी तारीफ की। कमांडो किंग जी। इस हमले के बाद पाकिस्तान में एसएसपी सुहाई अजीज की बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे हैं। विपक्ष के बिलावल भुट्टो ने भी उनकी तारीफ की। वहीं पुलिस ने बहादुरी के मेडल के लिए राष्ट्रपति से उनके नाम की सिफारिश की। सुहाई ने हमले के वक्त बहुत सूझबूझ से काम लिया और कोशिश की कि आतंकवादी कॉन्सुलेट में मौजूद चीन के अफसरों तक न पहुंच पाए, और इस मकसद में वो कामयाब भी रहे। इसलिए हमले में किसी भी राजनयिक को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनलों ने दावा किया कि हमलावर बलोच लिबरेशन आर्मी के थे, क्योंकि भारत बलोच आंदोलन का समर्थक है, जबकि सूत्रों के मुताबिक जैश ने भारत को बदनाम करने के लिए ही चीन को निशाना बनाया। लेकिन हमला शुरू होते ही चीनी अफसर कॉन्सुलेट में मौजूद सुरक्षित जगह पर चले गए। एक टीवी चैनल ने कॉन्सुलेट में मौजूद एक आदमी का वीडियो टेलीकास्ट किया, जिसने इस दावे की तस्दीक की। हम लोग चाइनीज एम्बेसी के अंदर इस वक्त मैसूर हैं, हम लोग 12 लोग हैं। इस वक्त आप फायरिंग की भी आवाज़ सुन रहे होंगे, ये मेन दरवाजा है और इस वक्त चाइनीज एम्बेसी के लोग अंदर जा चुके हैं। इस बीच पुलिस और सुरक्षा बल की और टुकड़ियां वहां पहुंच गईं, जिन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उनसे बरामद हथियारों से साफ हो गया कि आतंकवादी लंबी लड़ाई की तैयारी करके आए थे। हर तरफ इनके ग्रेनेड पड़े हुए हैं, जैकेट्स इन्होंने पहनी हुई थी, 2 जैकेट्स इन्होंने क्लियर किया, उसमें डेटोनेटर्स थे, जिसका मतलब है कि ये सुसाइड जैकेट्स। मुठभेड़ खत्म होने के बाद जगह जगह पड़ा सामान और खून के धब्बे नजर आए। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि यह हमला चीन के निवेशकों को डराने के लिए और सीपीईसी को कमजोर करने के लिए था। यह आतंकवादी कामयाब नहीं होंगे। भारत ने भी पड़ोसी देश पर हुए इस हमले की सख्त शब्दों में आलोचना की। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए विज्ञान पर लौटाए, 12 इन्वेस्टर समिट भी किए, लेकिन 1238 में से सिर्फ 128 में ही निवेश हो पाए। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। तेलंगाना की कोरतला विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अकुला हनुमंत ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को चप्पलें मारने के साथ उन्होंने लोगों से यह अपील भी की कि अगर वो चुनाव जीतने के बाद अपने वादे पूरे नहीं कर पाए तो उनको उन्हीं चप्पलों से पीटा जाए। और चप्पलें बांटने के उनके चुनाव प्रचार का यह अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। प्रचार के लिए अकुला हनुमंत अपने कुछ समर्थकों के साथ इलाके में पहुंचे और वहां की महिलाओं को एक एक चप्पल थमाते हुए हाथ जोड़कर जिताने की अपील की। अकुला हनुमंत के इस अनोखे प्रचार से लोग भी दंग रह गए, हालांकि कुछ ने हंसते हुए उनसे चप्पल ले ली। सात दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए प्रचार कर रहे अकुला हनुमंत अपने समर्थकों के साथ जहां से भी गुजरे वहां लोगों को चप्पलें देना नहीं भूले। यूपी के पूर्व मंत्री सुभाष पांडे के बेटे अनम पांडे पर एक बिजनेसमैन के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें अनम पांडे बिजनेसमैन मनोज अग्रवाल के मुताबिक उसकी सुभाष पांडे से जान पहचान है, साथ ही दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। 4 नवंबर को जब मनोज अग्रवाल सुभाष पांडे से मिलने गया तो उसी समय अनम पांडे ने मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि अनम पांडे मनोज अग्रवाल की पिटाई कर रहा है। पुलिस ने मनोज अग्रवाल की मेडिकल रिपोर्ट के बाद अनम पांडे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अनम पांडे ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचे पंजाब के कांग्रेस एमएलए ने वोटरों को लुभाने के लिए अनोखा ऑफर दिया।
कांग्रेस एमएलए अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी को 20,000 से ज्यादा वोटों से जिताने पर वोटरों का स्वागत शराब से करने का वादा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पीली बंगा से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोठवाल को 20,000 से ज्यादा वोटों से जिताने पर पंजाब में उनका स्वागत शराब से करने का लालच देते नजर आए। अगर गोठवाल 20,000 से जीता, जो भी पंजाब आएगा उसको चाय के साथ गुलाब जामुन मिलेगा दिन में और रात को खांसी वाली दवाई भी मिलेगी। अगर कोई नहाना चाहेगा खांसी वाली दवाई से नहला भी देंगे। इसके अलावा कांग्रेस एमएलए अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोठवाल के 20,000 से कम वोटों से जीतने पर वोटरों को परेशान करने की धमकी भी दी। अगर 20,000 से कम छोड़ो जी तो जेड़ा पीलिया बंगा से कोई भी आएगा मेरे घर में या पंजाब में, हम बोलेंगे कुत्ते छोड़ दो। साथ ही उन्होंने वीडियो में अधिकारियों की गर्दन पकड़ने का इशारा करते हुए पंजाब में उनकी मनमानी न चलने देने का दावा भी किया। गुरु नानक जयंती के मौके पर पंजाब पाकिस्तान के ननकाना साहिब में खालिस्तान समर्थन के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर से एक बार फिर साबित हो गया है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ खालिस्तान समर्थकों को और आतंकियों का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लगाए गए पोस्टरों में भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। इन पोस्टरों में हाफिज सईद के करीबी गोपाल सिंह चावल की तस्वीर लगी हुई है। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई सिख समुदाय को भड़काने के मकसद से ऐसी हरकतों को अंजाम देती रहती है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी से सुलह नहीं करने के संकेत दिए। पटना की अदालत में अपने तलाक की अर्जी दाखिल करने वाले लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने कबीर के एक दोहे को कुछ बदलाव के साथ ट्वीट करते हुए पत्नी से फिर सुलह न करने के संकेत दिए। महाराष्ट्र के पुणे में कूड़े के ढेर में 43 जिंदा कारतूस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बयान दिया कि अगर मौजूदा योगी सरकार में राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। हमारे सीएम योगी जी और इनके कार्यकाल में यदि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो मैं मानता हूं कि कभी भी निर्माण नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक स्टोर में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने वक्त रहते काबू पा लिया। गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारे के परिसर में खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में आतंकी हाफिज सईद के साथ दिख चुके पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोपाल चावला का नाम सामने आया। जर्मनी में आयोजित आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप में दीपा करमाकर ने वर्ल्ड फाइनल्स इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि बी अरुणा घुटने में चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मुंबई में एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना मुंबई के खार इलाके की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला सड़क पार कर रही थी, तभी सामने से तेज गति से आ रहे ऑटो ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला हवा में उछलती हुई दूर जाकर गिरी। बाद में महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो ड्राइवर बिना लाइसेंस के ऑटो चला रहा था। ऑस्ट्रेलिया से T20 मैचों की सीरीज बराबरी करने से टीम इंडिया चूक गई। इस बार टीम इंडिया की मेहनत पर बारिश ने पानी फेर दिया। बारिश की वजह से टीम इंडिया की सीरीज जीतने की उम्मीद भी खत्म हो गई और दूसरा T20 मुकाबला बिना हार जीत के ही खत्म हो गया। हालांकि मैच की पहली पारी के 19 ओवर का खेल हुआ। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड में केवल एक रन जुड़ा था जब फिंच को भुवनेश्वर कुमार ने पवेलियन भेज दिया। Finch, 27 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिर गया। डार्सी शॉट ने कुछ शॉट जरूर लगाए लेकिन 14 रन के स्कोर पर वो भी खलील का शिकार बन गया। It's heading India's way this game. Certainly at the moment 35 for 3. Darcy short is gone. टीम इंडिया के गेंदबाज पूरे रंग में दिखे। कुछ देर मैक्सवेल क्रीज पर टिके जरूर लेकिन मुसीबत बनने से पहले ही आउट हो गए। Now that's the point we're making. Can he let the ball turn? He does. That's a big wicket for India. Maxwell's gone. 74 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर चुके थे। 7वें विकेट के लिए 27 रन की पार्टनरशिप हो गई। Right, he's hit that one all right. Now distance. लेकिन 16वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने पार्टनरशिप तोड़ दी। 19 ओवर तक स्कोर 132 रन तक ही पहुंचा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। स्कोर देखकर लग रहा था कि टीम इंडिया के बल्लेबाज आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेंगे।
लेकिन गेंदबाजों की मेहनत को बादलों की गरज ने धो दिया। दर्शक छतरियां लेकर सीटों पर जमे रहे। कई बार बारिश रुकी भी और मैदान का मुआयना भी हुआ। ओवरों की कटौती होती रही और टीम इंडिया को मिलने वाले लक्ष्य बदलते रहे, लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू नहीं हो पाई। ब्रिस्बेन में हुआ पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे है। 3 मैच की सीरीज का अब केवल 1 मैच बाकी है, जो रविवार को खेला जाएगा। टीम इंडिया के पास अब सीरीज जीतने का मौका नहीं बचा। 3रा मैच जीतकर भी सीरीज 1-1 से बराबर ही की जा सकती है। एक तरफ आज उद्धव ठाकरे 2 दिन की यात्रा पर आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ कल अयोध्या में ही हिंदू विश्व परिषद की धर्म सभा का आयोजन किया गया है। ये धर्म सभा सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बड़ा भक्त माल के बाग में होगी। बैठक में देश के नामी संत बीएचपी के नेता और पदाधिकारियों के साथ साथ बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठन के नेता शामिल होंगे। बीएचपी को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा राम भक्त शामिल होंगे। 25 तारीख को ही एक कार्यक्रम है जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राज बब्बर के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। राज बब्बर ने रैली में पीएम की मां को लेकर एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर मां के बहाने पीएम को घेरा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। पीएम की मां को लेकर की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी को भी पलटवार का मौका मिल गया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार देते हुए मां के सम्मान के साथ जोड़ दिया। आप प्रधानमंत्री जी की मां की आयु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका मजाक आप मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश की पावन भूमि में मना रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने राज बब्बर से उनके बयान पर माफी की मांग कर दी, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के एतराज को दरकिनार करते हुए राज बब्बर का बचाव किया। पार्टी ने पीएम के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए बीजेपी को फिर घेरने की कोशिश की और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपीए की सरकार के वक्त मनमोहन सिंह को लेकर दिए गए पीएम के एक बयान का हवाला दिया। मोदी जी ने कहा था जब रुपए की कीमत 60 के भी नीचे थी कि शायद ये जब प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की उम्र पार कर जाए, यानी 70 के ऊपर चला जाएगा, तब जाकर इसकी गिरावट रुकेगी। हालांकि कांग्रेस की सफाई से भी बीजेपी की नाराजगी कम होती नहीं दिखी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज बब्बर पर और तीखा हमला बोला। मोदी जी के माताजी की उम्र के साथ डॉलर को बताना, ये उनका मानसिक घटियापन दिखाई पड़ता है। बीजेपी ने राहुल गांधी से कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों पर रोक लगाने की भी मांग की। मध्य प्रदेश के रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ही चुटीले अंदाज में कांग्रेस पर हमला किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल कांग्रेस नेताओं को नींद नहीं आती है और उन्हें हमेशा कुर्सी ही दिखाई देती है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक कह दिया कि चाय बेचने वाला अगर पीएम बन जाए तो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होता। कुर्सी है नहीं, कुर्सी के बिना रह नहीं सकते। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, वैसे कुर्सी के लिए तड़प रहे हैं। एक कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना, 15 साल हो गए, कब आएगी कब मिलेगी। रात रात और सोते नहीं, कभी मुझे गाली देते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। ये भाई कैसे क्या किसान का बेटा, अरे ये लोकतंत्र है या गरीब का बेटा, चाय बांटने वाले का, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है और हल चलाने वाले का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है। तब कांग्रेस को गुस्सा आता, सोते नहीं है, रात भर जगते रहते हैं, मुझे कोसते रहते हैं, कर्मचारी बदलते रहे, सारी रात हम आपकी कसम सनम आपकी कसम। रूस के साइबेरिया में कुछ लोगों ने जमी हुई बार्ग्यूजन नदी में फंसे एक 12 सिंगे को रस्सी से बांधकर बाहर की ओर खींच लिया। ये 12 सिंगा काफी देर से बर्फ के बीच फंसा हुआ था, जिसके बाद वहां पहुंची रेस्क्यू टीम 12 सिंगे के सींग को रस्सी से बांधकर उसको बाहर खींचने लगी, जबकि टीम का एक मेंबर कटर से नदी पर जमी बर्फ को काटकर रास्ता बनाने लगा। काफी देर तक बर्फ में फंसे रहने की वजह से 12 सिंगे का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं देख रेस्क्यू टीम ने उसके शरीर को रगड़कर उसे गर्माहट देने की कोशिश की, साथ ही सूखी लकड़ियों को जुटाकर आग भी जलाई गई। इस सब के बाद भी 12 सिंगे के जिस्म में कोई खास हरकत नहीं हुई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उसको अपनी गाड़ी के साथ लगी ट्रॉली पर बांधकर शहर लेकर पहुंची, जहां एक कमरे के अंदर 12 सिंगे के पूरे शरीर की मालिश की गई और उसको खाना खिलाया गया। 12 सिंगे के ठीक होते ही रेस्क्यू टीम ने उसको जंगल में छोड़ दिया।
सर्दी के मौसम में भारतीय रेलवे कोहरे की वजह से होने वाले हादसों से बचाव की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए उत्तर रेलवे के नए इंजनों में कुहासे के वक्त सुरक्षा के लिए डिवाइस लगाने की जानकारी दी, जिससे ज्यादा कोहरा होने की वजह से सिग्नल ना दिखने पर डिवाइस की मदद से ड्राइवर को सिग्नल की दूरी का पता चल पाएगा। इस डिवाइस की मदद से ट्रेन के ड्राइवर कम स्पीड में सिग्नल के पास पहुंचने के बाद उसके हिसाब से गाड़ी चला पाएंगे। जो सिग्नल होते हैं उसकी जानकारी आती रहती है कि सिग्नल यहां से जिस समय इंजन कहीं हो तो वहां से कितनी दूरी पर है, और ड्राइवर उसके मुताबिक अपने ट्रेन को गति देता है या ब्रेक लगाता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की स्पीड पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। सभी लोकोमोटिव्स में हमने फॉग सेफ्टी डिवाइसेस लगाई हैं। तो फॉग सेफ्टी डिवाइसेस का बेसिकली काम होता है कि वो अगला सिग्नल कब आने वाला है वो लोको पायलट को बताता है। साथ ही रेल यात्रियों को ट्रेन लेट होने पर SMS यानी मोबाइल पर मैसेज भेजकर सूचना दी जाएगी। इसके अलावा यात्री भारतीय रेलवे के 139 नंबर पर भी कॉल करके ट्रेन आने की सूचना ले सकते हैं। कोहरे के वक्त हादसों से बचने के लिए करीब 2500 ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाए गए हैं, जबकि सिग्नल से 370 मीटर दूर ट्रैक पर चूने से निशान बनाने की तैयारी भी रेलवे ने की है। इसके साथ ही सिग्नलों पर चमकीले निशान वाली धारियां बनाने की भी तैयारी की जा रही है, जिन पर रोशनी पड़ने के बाद सिग्नल साफ दिखाई देंगे। दिल्ली के शाहदरा इलाके में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि वहां मस्जिद कमेटी में कब्जे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और सड़क पर ही लड़ाई करने लगे। इस दौरान एक पक्ष के लोग सड़क पर उतर आए और दूसरी तरफ खड़े लोगों पर कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें फेंकने लगे, जिसके जवाब में दूसरी तरफ खड़े लोगों ने भी पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया और जमकर हंगामा किया। वहां मौजूद चश्मदीदों ने इस दौरान फायरिंग किए जाने का भी दावा किया। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच इलाके की मस्जिद कमेटी में कब्जे की पुरानी लड़ाई है, जिसकी वजह से नमाज के बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। नमाजियों को परेशान करना, हमें टॉर्चर करना और इस तरह की बातें करते हैं, आज हद हो गई, आज ही हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए थे तो इन लोगों ने रोका तो इनसे इस बात के लिए झगड़ा हुआ। वहीं लड़ाई के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का दावा किया। विजय देव को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अंशु प्रकाश के तबादले के बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव को राजधानी का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। कमल हासन ने आरोप लगाया कि गजा तूफान के बाद तमिलनाडु के कई इलाकों में लोग अब भी खाने समेत कई जरूरी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। यूपी के आगरा में एक थाने से 3 पिस्टल और 60 से ज्यादा कारतूस गायब होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लखनऊ में प्रकाश पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुंबई के पास पालघर में समंदर में एक मछुआरे के जाल में फंसी एक बड़ी वेल को उसने सुरक्षित छोड़ दिया। झारखंड के धनबाद में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने खुद पर लगे छेड़छाड़ के आरोप पर सफाई देते हुए इसे पार्टी सांसद रविंद्र पांडे की साजिश बताया। यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने को लेकर जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 1200 करोड़ का फंड मंजूर कर दिया। बिहार के बगहा में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। बिहार के सहरसा में बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके साथी को घायल करने के बाद बाइक लूटकर फरार हो गए। लंदन में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के सैकड़ों सदस्यों ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के दौरे का विरोध किया। इन लोगों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी पर बनाए जा रहे एक बांध के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके लिए वो सैकड़ों की तादाद में सड़क पर बैनर और पोस्टर लेकर जमा हो गए। काला पर्दे ना मंजूर, आशा दे ना मंजूर। इन लोगों में बड़ी तादाद में बलूच और POK के लोग भी शामिल थे। लोगों के प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार की गाड़ी वहां पहुंची। साकिब सिंधु नदी पर बनने वाले दियामर बाशा बांध बनाने के लिए चंदा जुटाने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इतने बड़े रिजर्वायर ना बना जो 400 अरब रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं और सारा पानी जो दरिया का ना आपने वहाँ पर कैद कर दिया है और नीचे जो ना हम बाड़ी मिट्टी दरिया में उगल रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि सिंधु नदी पर बनाए जा रहे बांध से बड़ी तादाद में सिंधी लोगों को पलायन करना पड़ जाएगा, साथ ही वहाँ पहले से ही लोग सूखे से जूझ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने आतंकियों के खिलाफ साल के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 6 आतंकी मारे गए। दावा किया गया कि पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साजिश रचने वाला आतंकी आजाद मलिक भी इस मुठभेड़ में मारा गया, जो अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में दूसरे आतंकियों के साथ छिपा बैठा था। सुरक्षा बल को देश के दुश्मनों की खबर लगी तो पूरे इलाके को सील कर दिया गया। राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए। कोहरे की वजह से ज्यादा दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन सुरक्षा बल के जवान तैयार थे और सुबह करीब 5 बजे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। जिस मकान में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी, उससे धुआं भी उठता नजर आया और बाद में मकान के नजदीक पहुंचने की कोशिश की गई। दावा किया गया कि मकान में पहले ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मौजूद थे, जिसकी वजह से आतंकी काफी देर तक जवानों को रोकने में कामयाब रहे। जिस मकान में आतंकी छिपे थे वो घने जंगलों के बीच था और वहां तक पहुंचने के रास्ते भी मुश्किलों से भरे थे। इस बीच सेना के पास ये जानकारी भी थी कि मकान में छिपे आतंकियों में एक लश्कर का कमांडर आजाद मलिक था, जिसने जून के महीने में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साजिश रची थी। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी वहां छिपे बैठे थे। अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच 5 घंटे तक मुठभेड़ चली। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन चलता रहा। यह आतंकियों के खिलाफ साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया गया, क्योंकि इस ऑपरेशन में सेना ने बिना किसी नुकसान हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के 6 आतंकियों को मार गिराया। दावा किया गया कि अनंतनाग में आतंकियों के छिपे होने की सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पूरे इलाके को सील करने के बाद जवानों ने उस मकान को भी उड़ा दिया जिसमें सभी आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि दावा किया गया मकान पर हमला होने के बाद कुछ आतंकी जंगल की तरफ भागने की कोशिश में थे, जिनका पीछा करते हुए ऑपरेशन को पूरा किया गया और सभी 6 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी दी गई। साथ ही ये बताया गया कि ढेर किए गए सभी 6 आतंकी वो थे जिन्होंने पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों की साजिश रची थी। सारे इंसिडेंट्स में इनका इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए मैं कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है और ये हमारे सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन नमूना है। इसी साल जून महीने में जब पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या कर दी गई थी तो हमलावरों का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें लश्करे तैयबा के कमांडर आजाद मलिक को देखने का दावा किया गया था और उसकी तलाश भी की जा रही, जिसे अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया।